जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय जीके क्लास। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 26। द चैप्टर नेम इज रियो समर ओलंपिक 2016। आज हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे? 2016 में जो रियो समर ओलंपिक्स हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। द समर ओलंपिक्स 2016 वाज हेल्ड फ्रॉम 5 to 21 अगस्त 2016। ये रियो समर ओलंपिक्स 2016 कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 2016 में, अगस्त 2016 में। और ये कब से कब तक रहा? 5 to 21 अगस्त तक, ठीक है। अराउंड 11,000 स्पोर्ट पर्सन टुक पार्ट इन 42 स्पोर्टिंग गेम्स एंड 306 इवेंट। अराउंड क्या? 11,000 स्पोर्ट पर्सन यानी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें क्या है 42 स्पोर्ट्स हुए थे, स्पोर्ट्स गेम खेले गए थे। और इवेंट कितने हुए थे इनमें? 306 यानी 306 इवेंट इसमें हुए थे। About 205 countries participated in it. और इसमें लगभग क्या है? 205 countries ने participate किया था, including India के साथ, ठीक है? India को लेके इसमें total कितने countries ने participate किया? 205 ने, ठीक है? 205 countries ने इसमें participate किया। आगे है A. अब चलते हैं हम exercise पे। A question: Identify and write the name of the sport person and sport. यहाँ पे आपको कुछ pictures दिए हुए हैं, ठीक है? ये किनके pictures हैं? Sport persons के, ठीक है? खिलाड़ियों के pictures दिए हुए हैं आपको, और इन्हें क्या है? Identify करना है, इनके name लिखने हैं आपको, ठीक है? कि ये कौन-कौन हैं, और इनके game भी लिखने हैं कि ये किस game से related है, ठीक है? ये कौन से game खेलते हैं? और यहाँ पे नीचे आपको क्लू बॉक्स भी दिया गया है, यहीं से आपको फिल करना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर, ये कौन है? पीवी सिंधु। इनका नेम क्या है? पीवी सिंधु। और ये किनसे रिलेटेड है? बैडमिंटन, ठीक है? ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है? सेकंड है, सेकंड किन की पिक्चर है ये? ये कौन है? साक्षी मलिक। और ये किससे रिलेटेड है? रिस्लिंग, ठीक है? ये रिस्लिंग से रिलेटेड है, इनका गेम क्या है? रिस्लिंग। थर्ड है, कौन है ये? दीपा कर्माकर। और इनका गेम क्या है? किस गेम से रिलेटेड है? जिम्नास्टिक्स है ये, ठीक है? फोर्थ कौन है? देखिए अभिनव बिंद्रा। और ये इनका गेम क्या है? शूटिंग। क्या करते हैं ये? शूटिंग। तो ये चैप्टर आपका हुआ फिनिश। आगे हम रीड करेंगे जीके में रोड सेफ्टी, ठीक है? रोड सेफ्टी के रूल्स। एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस एंड डू नॉट फॉलो रूल्स। एक्सीडेंट कब होते हैं सड़क पे? इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं, लापरवाही करते हैं हम, और जो रूल्स होते हैं उन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? हेयर इन द पिक्चर आर सम डूज एंड डोंट टू बी फॉलोड ऑन द रोड। यहाँ पे एक पिक्चर है आपका पोर्ट का, और इस पे कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ रूल्स है जिसे हमें नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है? सेलेक्ट एंड पुट देम इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। इन्हें सेलेक्ट करना है, और नीचे आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं। डूज जो हमें फॉलो करने चाहिए, डू नॉट, ठीक है, जो हमें नहीं करने चाहिए रूट पे। अब इस पोर्ट में से सेलेक्ट करके सेंटेंस को यहाँ पे करेक्ट बॉक्सेस में फिल करने हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो,
मैंने यहाँ डूज में जो हमें रूल फॉलो करने चाहिए, जो हमें रोड पे करने चाहिए, उसे मैंने ग्रीन कलर से यहाँ फिल किया है, और जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए डेंजर होते हैं, ठीक है, जो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो चीजें, उन्हें मैंने रेड कलर से फिल किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके फिल करते हैं, शुरू करते हैं। पिक्चर में देखो, पोर्ट में सबसे पहला क्या है, जंप रेड लाइट। रेड लाइट को जंप करना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये आ जाएगा डू नॉट में, ठीक है, डू नॉट जंप रेड लाइट। अगला है रन ऑन रोड। रोड पे दौड़ना चाहिए क्या, नहीं दौड़ना चाहिए, तो ये क्या, डू नॉट में आ जाएगा, ठीक है, रन ऑन रोड। अगला है गिव वे टू एम्बुलेंस। हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, देना चाहिए बच्चों, एम्बुलेंस को हमें हमेशा रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, इमरजेंसी होती है, उन्हें जल्दी निकलने देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, ताकि वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच सके, ठीक है। तो ये डूज में आएगा, ठीक है, ये हमें करना चाहिए, गिव वे टू एम्बुलेंस। अगला है वॉक ऑन फुटपाथ। हमें फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए, ये राइट है रॉन्ग है, बिल्कुल राइट है, ये सही रूल है, तो ये से डू में आएगा कि हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, ना कि रोड पर, ठीक है। अगला है सीट बेल्ट इज नॉट नीडेड। क्या बोल रहा है, सीट बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्या ये करेक्ट है, नहीं, हमें सीट बेल्ट की जरूरत है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और सीट बेल्ट अगर हम लगाते हैं, तो एक्सीडेंट के कंडीशन में हमें वो सेफ रखता है, ठीक है, तो ये डू नॉट में आएगा, सीट बेल्ट इज नॉट नीडेड, ठीक है। अगला है वियर हेलमेट ऑन टू व्हीलर। हमें टू व्हीलर पे हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये किसमें आएगा, डूज में, ठीक है, डू में हम लिखेंगे वियर हेलमेट ऑन टू व्हीलर। अगला है ओवरटेक अदर व्हीकल्स फ्रॉम लेफ्ट। हमें अदर व्हीकल्स को ओवरटेक करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, तो ये डू नॉट में आएगा। अगला है क्रॉस रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड जब भी क्रॉस करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, तो ये किस में आएगा, डू में, क्रॉस रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग। अगला क्या है, गो वेन द सिग्नल इज ग्रीन। जब सिग्नल ग्रीन हो तभी चलना चाहिए आगे, तभी आगे बढ़ना चाहिए, तो ये किस में आएगा, डू में, ठीक है। अगला है क्या है, हुंक वेन नियर हॉस्पिटल। जब आसपास हॉस्पिटल हो तो हुंक करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, हुंक नहीं करना चाहिए, तो ये डू नॉट में आएगा। अगला है ड्राइव व्हीकल्स एट हाई स्पीड। जो व्हीकल है, हमारी गाड़ी है, हमें उसे क्या है, बहुत ही हाई स्पीड में चलाना चाहिए, क्या ये राइट है, नहीं, गलत है, हमें व्हीकल्स को बहुत ज्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, तो ये डू नॉट में आएगा, ठीक है। ये कुछ रोड सेफ्टी के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे हमें एक्सीडेंट से बचाव हो सके, हम एक्सीडेंट से बच सके, ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।